तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई कैसे सभी? तो भाई गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले तो कि भाई आप जो भी वीडियो देख रहे हो तब होगी भाई सुबह के 8 बजे हो गए। एंड अभी जो भाई ये वीडियो कर रहा हूँ मैं रात को शूट, क्योंकि आज मेरे कोई व्लॉग नहीं आया। बेसिकली ये वीडियो होने वाली है भाई मेरी यूट्यूब पे जर्नी, मतलब कि आज मेरे जो भाई 30,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम जो भाई यूट्यूब के ऊपर और मेरी पूरी जर्नी के ऊपर जो बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है विवेक और हमारे चैनल पे आपको ना ही कोई ड्रामा मिलेगा ना ही कोई क्लिक बेट, ओनली व्लॉग्स लवर भाई हमारे चैनल पे आए, क्योंकि हम जो ओनली व्लॉग बनाते हैं। तो भाई इसलिए हम जो ओनली व्लॉग बनाते हैं, नो बकवास नो ड्रामा ओनली व्लॉग्स। तो भाई देखो अभी यार देखो यूट्यूब पे मैंने जो लगभग अभी से 1 साल 4 महीने पहले मैंने YouTube पे भाई अपना जो है YouTube चैनल बनाया था, और जिसका नाम मैंने भाई स्टार्टिंग में विवेक पुनिया व्लॉग्स ही रखा था, स्टार्टिंग से ही विवेक पुनिया व्लॉग्स था। एंड उसके बाद जो भाई मैंने चैनल के नेम भी चेंज किए, कंटेंट भी चेंज किया, व्लॉग नहीं बनाता था मैं पहले मैं मीम्स बनाता था। एंड मीम्स के बाद जो भाई मैं बस ऐसे ही जो भाई मैंने एक वीडियो बना के डाल दी यूट्यूब के ऊपर कि मैं भाई 100 रुपये से मिलने जाऊँगा, तो बस। एंड मैंने प्लान कर रखा था भाई मिलने जाएंगे, बट वो बस मैंने बोल दिया चलो मिलने जाएंगे। एंड मुझे इतना भाई पता भी नहीं था यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मैं बनाता नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं टिकटॉक पे बनाता था सबसे पहले, क्योंकि टिकटॉक एक ऐसा ऐप था जब मतलब टिकटॉक का क्रेज था यहाँ पे। तो मैं टिकटॉक पे मेरे जो था 30,000 फॉलोअर्स थे मेरे टिकटॉक पे, तो टिकटॉक पे मैं बनाता था। तो वहाँ पे मेरे को जो अच्छी खासी ऑडियंस थी मेरी, बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता था, वीडियोज पे अच्छे खासे लाइक आते थे मेरे, डेली के जो भाई 5-6 हज़ार फॉलोअर बढ़ते थे। तो एकदम मेरी टिकटॉक पे ग्रोथ हुई थी। एंड यही सीन मेरे साथ जो भाई यूट्यूब पे हो रहा है, मेरी जो ग्रोथ है यार, मतलब मेरे जो यार मैं स्टार्टिंग में तो भाई देखो जीरो से स्टार्ट करना पड़ता था। जीरो से भाई मैंने जो अपना चैनल बनाया उसको वेरीफाई किया है सबसे पहले, क्योंकि वेरीफाई तो करना ही पड़ता स्टार्टिंग में। वेरीफाई किया, फिर मैंने मीम्स मतलब बनाना स्टार्ट कर दी थी। बाद में मैंने एक ऐसी वीडियो डाल दी, तो वो वीडियो है यार मैंने देखी कम से कम 3-4 दिन बाद, वो वीडियो गाइज मैंने 2,000 चली गई वो वीडियो, मैं खुश हो गया। मैंने कहा भाई टिकटॉक पे तो जाती थी भाई लाखों में चली जाती थी, हजारों में, तो मतलब उसका तो पता था भाई चलो ठीक है इतनी जा रही, तो उसमें तो भाई मैं कितना खुश होऊंगा वो तो आप सोच रहे। फिर वो बैन हो गया भाई यार, फिर कोई मतलब को मिला नहीं कोई यार जिसपे बना सके वीडियो। फिर यार यूट्यूब पे मैंने ऐसे ही डाल दी वो वीडियो, मेरी चली गई 2,000, मैं यार खुश हो गया। मैंने कहा भाई चलो यार दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी वीडियो वायरल जा रही है, एंड मेरे को जो भाई सब्सक्राइबर भी जो भाई मिल गए थे 100 सब्सक्राइबर। गाइस आप मानोगे ना भाई, जब 100 सब्सक्राइबर मिले ना स्टार्टिंग में मेरे को, मैं भाई मतलब इतना खुश हो गया कि यार 100 सब्सक्राइबर्स आ गए यार, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। एंड उसके बाद देखो यार मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं बस बनाता गया वीडियो डेली की, एक एक शॉर्ट वीडियो आती गई मेरे, एंड मेरी वीडियो भी जो फाइल चली जाने लगी। एंड मैं फिर मीम्स बनाने लगा ऐसे करते करते गाइस। फिर जो भाई हम पहले ये वाला घर हमारा जब बन रहा था, तो हम हमारे दादा के नीचे रहते थे, तो हमने भाई मतलब मैंने स्टार्ट कर रखा था ना अपना यूट्यूब वीडियो डालते था, तो वहाँ पे भाई मतलब कि हम जो सोने वाले थे, एंड मेरे जो भाई लगभग 5 सब्सक्राइबर्स गाइस बाकी थे। एंड भाई जब मतलब 1 सब्सक्राइबर रह गया था नहीं, तो भाई मम्मी पापा बोले कि अब सो जा, क्योंकि मतलब कि देर हो गई थी ना रात को, कम से कम 10:30 बज गए होंगे आराम से। तो भाई फिर मैं सो गया था, 1-2 सब्सक्राइबर रह गए थे मेरे। एंड मेरे को लगा कि भाई स्टार्टिंग में 1,000 सब्सक्राइबर्स होंगे तो मतलब मोनेटाइज हो, मेरे को पता नहीं था कि मैं मोनेटाइजेशन वाला हो, मेरे को ये पता भाई 1,000 सब्सक्राइबर्स से जो है मोनेटाइज होता है, मतलब जिससे पैसे मिलते हैं। तो मेरे को लगा भाई चलो यार 1,000 मेरे भी हो गए एंड मैं भी जो है अर्निंग करूँगा। एंड बस भाई मेरे को नहीं पता था भाई, चलो मेरा मुझे लगा भाई होगा मोनेटाइज, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी ना यूट्यूब की। तो भाई बस मैं बनाता गया वीडियो, मेरे को लगा होगा मोनेटाइज, मेरे को पता नहीं था ना भाई ऐसे होता है। मैं भाई बनाता गया, एंड फिर मेरे को जो भाई देखो दिक्कत भी बहुत मिलती है एंड सक्सेस भी देखो मिलता ही है लिटरली, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में देखो भाई अगर आप ग्रो कर रहे हो, आप आपके शहर के आप गांव में रहते हो, तो आप अकेले यूट्यूबर हो, मतलब कि आप अकेले बनते हो, आप वीडियो बना रहे हो, तो आपको जो भाई लोग देखें वो बोलेंगे भाई ये क्या कर रहा है यार, पता नहीं फ़ोन में ऐसे उठा के बोल रहे हैं कि आप तक क्या बना रहे हैं, तो लोग ऐसे बोलते हैं। तो आपको देखो यार मेरे को ना ऐसा तो कुछ नहीं मिला, हाँ बट ये है कि आपको लोग जो है डीमोटिवेट करते हैं, बोलते पता नहीं यार क्या वीडियो बना रहा है, ऐसे फालतू में वीडियो बना रहा होगा। तो ऐसे लोग भाई कई हेटर होते हैं, वो आपको जो भाई बोलते यार कि तेरी घटिया वीडियो होती है, कुछ लोग बोलते हैं। एंड ये तो भाई देखो हेटर्स तो बोलते ही रहते हैं कि भाई मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रखा है, मैं आपको सब्सक्राइब नहीं करता,
आपकी मैं वीडियोस नहीं देखता, कुछ भी वीडियोस बना देते हो। ये सौरभ भाई के साथ भी होता ना कि बोलते भाई ऐसे वैसे वीडियो बनाते रहते हो, ढंग की वीडियो बनाओ। तो भाई मैंने बस देखो यार यही है यार, कभी अगर आप एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ बनना चाहते हो, आपके जो है ऑडियंस भी मतलब आपको फुल सपोर्ट मिल रहा है, मतलब ठीक ठाक भी मिल रहा है तो भी बढ़िया बात है। तो आपको बस फोकस रखो एक जगह पे। आपको भाई एक मेरा तो एम है कि भाई मेरे को तो यहाँ तक जाना ही जाना है, मैं इतनी मेहनत करूँ, तो आप उतनी मेहनत करो। आपको भाई पीछे मुड़ के मत देखो, चाहे कोई कितना डिमोटिवेट करे, कितना ही हेट करे, कोई मतलब नहीं। आपको देखो एम पे ध्यान रखो। आपको भाई कुछ बनना है तो आप खुद सोचोगे ना, लोगों की थोड़ी सुनोगे। तो आपको सिंपली फोकस रखना अपने एम पे, एंड आपको भाई वही करना। देखो मैं अपना मेन फोकस ये है कि अपने को तो भाई यूट्यूब पे अपना डेली कंटेंट रखना है। तो देखो अपना तो डिमोटिवेट नहीं होता, चाहे कोई कुछ बोले। कोई बोलता है भाई कि तू लगातार कुछ शब्द बोलता है, तो आप उस चीज को जो है यार ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मतलब जो शब्द मैं ज्यादा, मतलब जो वर्ड मैं ज्यादातर बोलता हूँ, जैसे मैं बीच में जो है बट 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 जो मैं ज्यादातर बोलता था, एंड एक एंड बोलता था मैं बहुत ज्यादा, तो मैं उस चीज को मतलब मेरे मौसी जी ने मेरे को बताया कि तो ज्यादा बोल रहा था, थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो कम बोल। मैं उस चीज को जो मैं बहुत कम कर दिया, मतलब उस वर्ड को मैं यूज ही नहीं कर रहा था। तो इससे होता है कि भाई आपको जो यार डिमोटिवेट है, कई बार बोलते यार अच्छा नहीं लगता, अच्छी वीडियो नहीं बन रही, तो इससे दिक्कत होती है कि आप डिमोटिवेट हो जाए, सोचे यार नहीं बना रहे भाई, तो आपको नहीं होना है। एंड देखो भाई मेरे आज जो यार 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट है। मैं इसलिए आज कोई ब्लॉग भी नहीं हुआ क्योंकि आज सभी को, आज मैं आप सभी को जो है बस यही कहना चाहता हूँ यार। देखो अगर किसी चीज़ पे आपको भाई कुछ भी ग्रो करना है, तो देखो मेन एम अपना मतलब पूरा फोकस रखो उस चीज़ पे कि हाँ भाई मुझे तो इतने सब्सक्राइबर्स करने ही करने हैं, मैं इतनी मेहनत करूँ ही करूँगा। तो एम उस पे रखो, ये मत सोचो कि भाई बस भाई आपको देखो लोग बहुत जो है चिढ़ाएंगे कि भाई ये बंदा जो है इतना ग्रो कर रहा है। कुछ लोग होते हैं भाई जो दूसरे की तरक्की देख के दिलते हैं, एंड कुछ तो भाई तुम्हारे दोस्त ही होंगे जो तुम्हें यार सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, एंड कुछ तुम्हें डिसलाइक करते हुए दोस्त। तो ये मेन है कि अपने दोस्तों को बिल्कुल मत बताना कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, वो हमेशा करेंगे क्या मजाक मजाक में डिसलाइक कर देंगे, वो कर देंगे। तो भाई ये है, अपने दोस्तों को मत बताना, अपने फोकस पे ध्यान रखो। तो यही थी यार अपनी जर्नी। मैं भाई जर्नी भी कभी आसान नहीं यार, मेहनत बहुत लगी यार, एडिटिंग में टाइम देना, मतलब भाई पूछ रहे मत यार। जो YouTube को मैंने टाइम दिया क्योंकि अपने लॉकडाउन टाइम था, लॉकडाउन में बनाना स्टार्ट किया, एंड फिर मैं बस पीछे मुड़ के देखा, मैं स्टार्टिंग से अपना YouTube पे फुल अपना जितना भी होता है ना, जितना भी वर्क सारा मैं अपना हार्ड वर्क जो है भाई YouTube पे निकाल दिया। कि भाई लॉकडाउन था, पेपर भी जो भाई ऑनलाइन भी हो रहे थे, तो मैं साथ के साथ भाई ऑनलाइन क्लास लेता गया। यूट्यूब पे मैं मीम्स बनाता था, तो इसलिए व्लॉग तो भाई कोई टेंशन नहीं थी कि व्लॉग बनाना है नहीं बनाना है, अपने वीडियो की मीम बनाई और अपलोड कर दी। तो मतलब ये यार बस मीम में टाइम लगता था और कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज बस पूरी वीडियो में यही था कि भाई पीछे मुड़ के मत देखना कभी भी, अपने एम पे फोकस रखो। एंड आपको भाई, आप सभी को भाई थैंक यू सो मच भाई, आप सभी ने इतना सपोर्ट किया, एंड आगे भी भाई करते रहना। अभी तो भाई देखो 30,000 रुपये है, सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा अपना, फर्स्ट एम तो यही है कि यार सिल्वर प्ले बटन एंड देन गोल्ड, आगे क्या आगे देखेंगे फिर। चलो ठीक है आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।